फर्स्ट स्टैंडर्ड की इंग्लिश ग्रामर का आज बेटा हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, और अगला टॉपिक है प्रीपोजिशन, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी नाउन की पोजीशन क्या है, ये पता लगेगा हमें आज की इस क्लास में। नमस्कार बच्चों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। चलिए बेटा शुरू करते हैं, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। अब ये प्रीपोजिशन होता क्या है बेटा? ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अ नाउन विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। क्या है ये प्रीपोजिशन? एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को कनेक्ट करता है विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। अदर वर्ड के साथ नाउन को कनेक्ट करता है प्रीपोजिशन सेंटेंस में। ध्यान रखिए, नाउन को कनेक्ट करता है किसी और वर्ड के साथ, ठीक है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। कौन कौन से प्रीपोजिशन हम करेंगे ये बताएंगे, प्लस उनका क्या यूज है ये भी बताएंगे, राइट। प्रीपोजिशन ऑफ अ प्लेस टेल अस Where something is, preposition of a place, हम क्या कर रहे हैं बेटा? Place के बारे में, preposition of a place, किसी भी जगह, किसी भी object की जगह कौन सी है वो पता करता है preposition of a place। किसी भी object की कौन सी जगह है ये हम पता करते हैं preposition of a place में। कैसे? जैसे ये बेबी है, ये एक बॉय है, और वो कहाँ पर प्लेस है, कहाँ पर बैठा है, ये हम कैसे पता करेंगे उस प्रीपोजिशन वाले वर्ड से। वो हमें जानना है वो कौन सा है। द बॉय इज इन द बॉक्स, इन द बॉक्स, द बॉय, ये बॉय है। इज इन, इन क्या है बेटा? इन, इन मतलब है अंदर, बॉक्स में, इन द बॉक्स। इन द बॉक्स क्या है बेटा? बॉक्स में। द बॉय इज इन द बॉक्स, बॉय क्या है हमारा? बॉय है बॉक्स के अंदर। पोजीशन बताई है बॉय की, बॉय की पोजीशन बताई है, कहाँ है वो? है बॉक्स के अंदर। तो क्या यूज किया अंदर के लिए हमने? इन यूज किया। किसी भी चीज़ को जब वो चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, जैसे बुक्स बैग के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे? इन द बैग, बुक्स इज इन द बैग, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला करते हैं। अब ये है बेटा एप्पल, एप्पल किसके ऊपर रखा है? बॉक्स के ऊपर रखा है एप्पल, राइट। क्या लिखेंगे हम? एन एप्पल इज On the box, on the box, ये ध्यान रखिएगा बेटा। Box के ऊपर है, ऊपर है तो क्या लिखेंगे? On, on कब लिखते हैं? जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है तो क्या लिखते हैं? On, for example, table के ऊपर pencil है, pencil is on the table, right? और क्या कह सकते हैं हम? कह सकते हैं फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल, राइट। बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक है, फ्लावर पॉट है। इस प्रकार के जो भी आसपास आपको एग्जांपल दिख रहे हैं, जैसे पिल्लो इज ऑन द बेड, आप अगर बेड के ऊपर बैठे हो और पिल्लो दिख रहा है, पिल्लो इज ऑन द बेड, राइट। इस प्रकार आप कुछ भी, आप जो भी दिख रहा है उसको ऑन के साथ यूज करके, जो चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है वो आप क्या कर सकते हो? उसको ऑन से बता सकते हो, दैट इज प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑन। अभी तक हमने दो प्रीपोजिशन किए हैं, एक किया है ऑन, एक किया है इन। ऑन का यूज किसी चीज़, जब कोई चीज़ किसी के ऊपर है तब उसको, उसके लिए ऑन यूज करते हैं। जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर है तो हम उसके लिए इन यूज करते हैं। बुक्स इज इन द बैग, राइट। हैंकी इज इन द पॉकेट,
हैंकी रुमाल क्या है, जेब के अंदर है, राइट। नेक्स्ट क्या है बेटा, अब देखिए बेटा ये टेबल है और टेबल के नीचे है एप्पल, नीचे है ध्यान रखना, ये ऊपर था और ये अंदर था, तीसरा क्या है हमारा नीचे है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। अब ये नीचे है तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे ये देखते हैं। एन एप्पल इज अंडर द टेबल, यहाँ एप्पल ऑन द बॉक्स था, यहाँ अंडर द टेबल है। अंडर कब यूज करते हैं बेटा, जब कोई चीज किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे है। अब ये नीचे मतलब यानी इससे सटी हुई, इससे चिपकी हुई नहीं है, टेबल से चिपकी हुई नहीं है, लेकिन टेबल के नीचे है। जब टेबल के नीचे चिपकी होती है यानी यहाँ पर चिपकी होती है तो उसके लिए अलग वर्ड है, उसके लिए अलग प्रीपोजिशन है, वो हम बाद में करेंगे, बट अभी हम फर्स्ट क्लास के हिसाब से आपको सिखा रहे हैं बेटा, वो समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है, एन एप्पल इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल क्या है बेटा, टेबल के नीचे, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या हुआ अंडर, अंडर मतलब नीचे, अंडर मतलब नीचे, यहाँ टेबल के नीचे आ गया हमारा क्या एप्पल, ये ध्यान रखिएगा बेटा। अभी हमने तीन प्रीपोजिशन कर ली है, अंडर, अंडर मतलब नीचे, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी चीज के नीचे है, राइट, जब कोई भी थिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के नीचे है। एन एप्पल इज ऑन द बॉक्स, ऑन मतलब ऊपर है, और इन मतलब अंदर है, ये तीन किए हैं हमने, राइट। चलिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ यूज करना है। लुक एट दीज पिक्चर्स, कंप्लीट दी सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, ये बॉक्स है, बॉक्स में हमारे वही तीन वर्ड हैं जो हमने अभी तक किए हैं, इन, ऑन और अंडर, ठीक है बेटा। आपको पता है कौन सा कहाँ लगाना है। अब ये पर्सन है, जैसे ये पिक्चर में आप पर्सन देख रहे हो, ये किसी चेयर के ऊपर बैठा है, ऊपर के लिए क्या था बेटा, जैसे बॉक्स के ऊपर एप्पल था तो हमने क्या यूज किया था, ऑन। लेट्स सी द सेंटेंस, अ मैन इज डैश द चेयर, मैन क्या आएगा, ऑन द चेयर आएगा, बड़ा ही आसान है, ऑन द चेयर, जैसे बॉक्स के ऊपर एप्पल था ऐसे चेयर के ऊपर मैन है तो ऑन आएगा ना, राइट। अब ये देखिए बेटा, कैट कहाँ है, ये गाड़ी का पहिया हमें दिख रहा है, गाड़ी, और ये गाड़ी के नीचे कैट है, ये देखिए ध्यान से। आप उसी प्रकार से याद कीजिए, टेबल के नीचे एप्पल था तो गाड़ी के नीचे कैट है, तो सेम होगा, टेबल के नीचे जब एप्पल था क्या लगाया था, अंडर, और जब गाड़ी के नीचे कैट होगी तो क्या लगाएंगे, ये देखते हैं। द कैट इज डैश द कार, कैट इज अंडर, अंडर द कार, कार के नीचे है। नेक्स्ट करते हैं बेटा, ये देखिए बाइसिकल पर जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या आएगा, बाइसिकल पर, ठीक है, बाइसिकल पर यानी बाइसिकल के ऊपर बैठकर जा रही है कौन, देखते हैं। तान्या कैन, तान्या कैन राइड अ बाइसिकल, तान्या कैन राइड अ बाइसिकल, तान्या बाइसिकल चला सकती है। शी इज डैश द बाइसिकल, शी इज ऑन, ऑन आएगा बेटा, शी इज ऑन द बाइसिकल। नेक्स्ट लास्ट क्या है बेटा, ये कार है, कार के अंदर बैठा है टॉम, कार के अंदर है बेटा, ये देखिए, यानी कि बॉक्स के अंदर जब बॉय बैठा था वो याद है ना आपको, ऐसी कार के अंदर है हमारा टॉम, तो क्या आएगा, जब बॉक्स के अंदर बॉय बैठा था तो उसमें हमने लगाया था इन, और यहाँ पर बॉक्स के अंदर टॉम बैठा है तो क्या लगाएंगे, टॉम कैन ड्राइव, टॉम कैन ड्राइव अ कार फुल स्टॉप, ही इज इन द कार, इन आएगा बेटा। हमने तीन पोजीशन की है, इन,
ऑन, अंडर और उनकी एक एक्सरसाइज भी की है। हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो बेटा रिवाइज करवा देता हूँ। तीन पोजीशन की है, इन, ऑन, अंडर। इन कहाँ यूज़ करते हैं? कोई चीज़ जब किसी चीज़ के अंदर है, बुक्स बैग के अंदर है, क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट्स हैं। और ऑन कब यूज़ करते हैं? ऊपर, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, ऑन द रूफ, छत के ऊपर खेल रहे हैं, ठीक है। और इस पर का जैसे बेड के ऊपर पिल्लो है, पिल्लो इज़ ऑन द बेड, राइट। टेबल के ऊपर फ्लावर पॉट है, पॉट इज ऑन द टेबल, तो ये लगा देंगे। अंडर कहाँ यूज़ किया था? अंडर यूज़ किया था नीचे के लिए, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है। टेबल के नीचे एप्पल था और इसी प्रकार कैट थी हमारी गाड़ी के नीचे। सो अंडर द टेबल, अंडर द कार, ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पोजीशंस यानी प्रीपोजीशंस समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।